हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। अगर आपने अभी अभी अपना नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है और उस पर आपको वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप उसमें टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शंस को कैसे लिखें, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी पहली वीडियो को कैसे अपलोड कर सकते हैं, कैसे उसमें टैग्स लगा सकते हैं, कैसे टाइटल लिखना है, कैसा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें यहाँ पे आपको टाइप करना है www.youtube.com, एंटर कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर में ये वी का आइकन दिख रहा होगा, मैंने इसमें साइन इन किया हुआ है अपने अकाउंट से। तो आप भी अपने जीमेल अकाउंट से, जिससे आपने यूट्यूब चैनल बनाया है, उस अकाउंट से यहाँ पे साइन इन कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे यूअर चैनल पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें ये है आपका यूट्यूब स्टूडियो का डैशबोर्ड है, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पे ये ऊपर क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है और अपलोड वीडियोस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करना है जिस फाइल को आप इसमें अपलोड करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको एक डमी फाइल समझाने के लिए अपलोड करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये डमी फाइल उठा ली, ये यहाँ पे डाल दी। उसके बाद आपके सामने ये सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अपलोडिंग हो रही है यहाँ पे फाइल, ठीक है। अब जैसे मैंने इसमें यहाँ पे टाइटल की बात आती है सबसे पहले कि हम टाइटल क्या रखें अपनी वीडियो का, तो सबसे पहले आपकी वीडियो जिस बारे में है, जैसे मैंने इसमें सिखाया है डमी में कि हाउ टू सेट यूट्यूब बैनर, अपने बैनर को आप कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ टू सेट यूट्यूब बैनर, ठीक है। ये इंग्लिश में हो गया। आप इसी चीज़ को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको 100 वर्ड्स मिले हुए हैं, आपको जितना हो सके उतने वर्ड्स इसमें लिखने हैं। 100 तक आपको 100 वर्ड्स पूरे यूज़ करने चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोशिश करना कि आप 100 वर्ड्स तक लिख सकें, इसमें कुछ ऐसे लिखना। तो इसमें जैसे हमने ये लिख दिया है यूट्यूब बैनर, उसके बाद हम इसे ही हिंदी में लिख देंगे यहाँ पर। उसके लिए हम नेक्स्ट टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे www.google.com ओपन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ये जो डॉट्स दिख रहे हैं इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमें ये जो आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमें हिंदी में लिखना है YouTube बैनर, इसको हिंदी कर लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे हिंदी नीचे करके, ये रही हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे यूट्यूब बैनर कैसे लगाएं, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से। उसके बाद वापस अपने यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे उस चीज़ को पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपना टाइटल लगा सकते हैं। कोशिश करें आप हिंदी में भी लिखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको 5000 वर्ड्स मिलते हैं लिखने के लिए। तो आप कोशिश करें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल दे सकें अपनी वीडियो के बारे में कि आप उसमें क्या बनाना सिखा रहे हैं। अपने यहाँ पर आप चैनल का लिंक डाल सकते हैं, अपनी वीडियोज़ के लिंक डाल सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें। मतलब आप कोशिश करें इसे पूरा पूरा फिल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम
टू माई चैनल, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं इस वीडियो के बारे में लिख देता हूँ, इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है कि आप अपने YouTube चैनल पर YouTube बैनर को कैसे लगा सकते हैं या सेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसमें डिस्क्रिप्शन लिख देना है, ठीक है। 5000 वर्ड तक आप लिख सकते हैं, ज़्यादा जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कस्टम थंबनेल है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से भी थंबनेल लगा सकते हैं, या आप अगर चाहें तो इस वीडियो के आपको इसी वीडियो में कोई भी पिक सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, जैसे ये 3 ऑप्शंस दिखा रहा है। तो जैसे अगर यहाँ पे आप लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थंबनेल बनाना पड़ेगा। उसके वो कैसे बनाते हैं उसका मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं उस वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ से आप वो थंबनेल लगाएंगे, जैसे इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी आपने वो थंबनेल रखा हुआ है वहाँ से उसे पिक कर लेंगे और यहाँ पे ओपन कर देंगे। इस ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो यहाँ पे खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, अभी कोई भी प्लेलिस्ट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये क्रिएट प्लेलिस्ट कर सकते हैं, आपकी वीडियो जिस कैटेगरी की आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे आप म्यूज़िक के बारे में हैं या कुछ लर्निंग के बारे में हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपनी प्लेलिस्ट बना सकते हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्लेलिस्ट आपको कहाँ पे दिखाई देगी। ये देख सकते हैं आप अपने चैनल पे आए, यहाँ पे ये जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको वो सारी प्लेलिस्ट दिखाई देंगी कि आप लर्निंग से रिलेटेड है या एजुकेशन से रिलेटेड है, अलग अलग वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ये बोल रहा है ऑडियंस का, इज दिस वीडियो मेड फॉर किड्स, अगर आपकी वीडियो बच्चों के लिए है तो यस करेंगे, और अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपकी वीडियोस पे जो ऐड आएंगी वो भी बच्चों वाली ही आएंगी। तो यहाँ पे नो पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन है, ये एज रिस्ट्रिक्शन का, डू यू वॉन्ट टू रिस्ट्रिक्ट द वीडियो एन एडल्ट ऑडियंस। तो इसमें आप अगर 18 से अबव हैं उसी के लिए है तो उस पर रखेंगे आप, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस देख लेना है, इसे नो पे रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शो मोर है, इस पे क्लिक करना है आपको, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको टैक्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं, अब टैक्स आपको क्या डालना है, जैसे आपकी वीडियो इस बारे में है, हाउ टू सेट यूट्यूब बैनर, तो आप कोई भी यूट्यूब पे आएगा तो वो क्या सर्च करता है यहाँ पे सर्च में, कि यूट्यूब यूट्यूब बैनर कैसे लगाएं, एंटर, ठीक है। तो हमारा यही टैग बन जाता है, इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे लाके इसे पेस्ट कर देंगे इस तरीके से, ये एक टैग हो गया। और किस तरीके से लिख सकते हैं, हाउ टू सेट यूट्यूब बैनर, मतलब हम जो भी यहाँ पे सर्च करते हैं उस वीडियो के बारे में, किसी भी वीडियो के बारे में जो हमें देखना होता है, तो वही हमारा टैग बन जाता है। इसे यहाँ से कंट्रोल ए ए से सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे टैग्स लगा सकते हैं, 500 वर्ड्स दे रखे हैं, तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियोस में टैग्स लगाएं, और टैग्स वही लगाएं जो आपकी वीडियोस से रिलेट करता हो, जो टैग आपकी वीडियो से रिलेट करता हो, मतलब आपने जो भी टैग लगाया हो वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी वीडियो के अंदर होनी चाहिए। आप वही टैग यूज़ करें, कोई अलग टैग यूज़ ना करें कि आपकी वीडियो किसी और बारे में है और अपने टैग किसी और बारे में लगा रखा है, ऐसा ना करें, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये लैंग्वेज का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी वीडियो की, कि आपकी वीडियो हिंदी में है इंग्लिश में है, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग डेट है, यहाँ से आप डेट चाहें तो डाल सकते हैं अपनी वीडियो में, किस दिन आपने रिकॉर्ड की थी वो यहाँ से डाल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद
आप यहाँ पे ये लाइसेंस का ऑप्शन आता है, इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस और क्रिएटिव कॉमन्स। स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस में अगर आप स्टैंडर्ड रखेंगे तो आपकी वीडियो को कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप क्रिएटिव कॉमन करेंगे तो आपकी वीडियोस को कोई भी यूज़ डाउनलोड करके यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें प्रेफर करूँगा आप हमेशा क्रिएटिव कॉमन्स ही रखें। उसके बाद ये एज इट इज़ रहने देना है, एलो। ये पब्लिश टू सब्सक्रिप्शन फीड, इसको भी एलो करके रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आपकी वीडियो किस कैटेगरी की है, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, म्यूजिक है, तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इन सब को ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको ये आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे चेक्स कंप्लीट हो गया है, इसमें कोई इशू नहीं है, वीडियो में कोई कॉपीराइट का इशू नहीं मिला है। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपको ये एंड स्क्रीन और एंड कार्ड्स, ये दो चीज़ें हैं, इनके ऊपर मैंने वीडियोस बना रखे हैं, उनके लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट देख सकते हैं उन वीडियोस को, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल के लिए इन्हें स्कीप करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये चेक्स का है कि इसमें कोई कॉपीराइट आएगा तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा अपलोड करने से पहले ही। ये एक नया फीचर आया है इसके अंदर जो पहले नहीं था, ये अभी अपडेट हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको अपलोड करने से पहले ही उस चीज़ का पता लग जाएगा कि आपकी वीडियो में कोई कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं है। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। प्राइवेट है, अगर आप प्राइवेट करेंगे तो आपकी वीडियो कोई नहीं देख पाएगा। अनलिस्टेड है, इसमें केवल वही देख पाएगा जिसको आप अपनी वीडियो के लिंक शेयर करेंगे। उसके बाद पब्लिक है, इसमें सब आपकी वीडियोस को देख सकेंगे। तो हमें पब्लिक सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो ये पब्लिश हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने YouTube की पहली वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।